बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय का। और आइए इसी पर एक विशेष जानकारी को समेटे एक लघु फिल्म देखते हैं। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनित अवसर है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है और ये समय इस गौरव को, भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। इन आड़ी गौरव, इन बुझाव एदाजे अबोई सरकार भगवान बिरसा मुंडा हाँ जाना महा 15 नवंबर हिलो जनजाति गौरव दिवस लेकाते घोषणा के दाय। मैं देश के इस निर्णय को भगवान बिरसा मुंडा और हमारे कोटि कोटि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों, वीर वीरांगनाओं के चरणों में आज श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूं। एक बार पुनः बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी का। और अब सादर निवेदन करना चाहूंगी मंचासीन माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों से कि कृपया आप मंच के इस तरफ से नीचे उतरते हुए भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस संग्रहालय परिसर का परिभ्रमण करने की कृपा की जाए। सर बहुत आभार आप सभी कि उन्होंने ऐसा अवसर जिसका हम सबको गर्व महसूस हो रहा है और जिन बातों का उल्लेख उन्होंने अपने भावों में अभिव्यक्त किया कि देश भर में किस तरीके से भारत सरकार के और जनजातीय मंत्रालय जिस कार्य को कार्यान्वित करने का महत्ती भूमिका निभा रहा है कि देश के कई राज्यों में जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया, ऐसे जनजातीय समाज के माटी के लिए, धरती के लिए समर्पित हुए लोगों को कैसे जान सके, समझ सके, संग्रहालयों का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि आज हम देशवासियों को, खास करके जनजातीय समाज को, हमें किस तरीके से आगे बढ़ने का, अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़ते हुए
आज के वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए आने वाले दिनों के उन सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होकर चलने की आवश्यकता है। ऐसा इनका संघर्ष में रहा है और कहा जाए कि यह पूरा झारखंड एक वीर भूमि के रूप में चारों तरफ गूंजता है, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो कोल्हान हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, हर कोने में आप देखेंगे। हमेशा से इन लोगों ने सामूहिक रूप से सबको एक समान नजर से देखा। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है, इनको याद करने की आवश्यकता है और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है और इस विषय पर आज सामूहिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई ऐसे वीर सपूत हैं जहां हमें उनको भी और आगे तक उनके नामों को ले जाने की आवश्यकता है और हम समझते हैं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राज्य के हम उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमें तभी मिल पाएगी जब हम बेहद सच्चे तरीके से अपने जहां हम खड़े हैं वहां पर हम अपने प्रयासों को अमली जामा पहनाएंगे, अपने प्रयासों को इसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिशों में लगे रहेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम स्वर्ग सा सुकून यहाँ पर ला पाएंगे।